गाइस कैसे हो सारे बंदे। उम्मीद करता हूँ सारे बंदे अच्छे होंगे। तो आज भी वीडियो में बहुत ही नया और ऊपरी तरीके से यहाँ पे हम बताएंगे कि जो फ्राइडे टू फ्राइडे डॉग टैग करना होता है, आप कैसे इजीली डॉग टैग कलेक्ट करके कस्टम कार्ड ले सकते हो, वो भी फ्री में। तो आज हम बात करेंगे कैसे बहुत ही आसान तरीके से आप कस्टम कार्ड ले सकते हो डॉग टैग ज़्यादा से ज़्यादा करके, और कैसे करते हो और क्या करना पड़ता है कस्टम कार्ड के लिए। तो देख सकते हो गाइज, इधर जो है जीरो कस्टम कार्ड है, तो आपको कस्टम कार्ड कैसे मिलेगा। जैसे कि आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे जो है देखो आपका ऐसे गिल्ड होगा। पहले आपको अगर गिल्ड नहीं ज्वाइन किया तो एक लेवल 4 का गिल्ड या फिर कोई भी गिल्ड आपको जो है पहले ज्वाइन करना रहता है। और गिल्ड में जितने भी बंदे सबको क्या करना है गाइज, जितने भी बंदे हैं सिंपली आपको क्या करना है, देखो ये सब बंदे हैं गिल्ड में, ठीक है। तो पहले आपको करना क्या होता है, गिल्ड तो पहले कोशिश करो गिल्ड फुल करने की, 50 out of 50 या फिर 30 out of 30 फुल करो। तो ये जो होता है हमारा लीडर बोर्ड, यहाँ पे गिल्ड का लीडर बोर्ड देख सकते हो गाइस, यहाँ पे चार बॉक्स होते हैं जो ऊपर की तरफ देख सकते हो। यहाँ पे जो है 4082 ये टोटल गिल्ड प्लेयर्स का डॉग टैग है। ये जो ये सिंबल होता है जिसे 4082 है, ये डॉग टैग होता है गाइस। ये डॉग टैग कैसे मिलता है वो भी बताएंगे, और कैसे आपको क्लेम करना है वो भी बताएंगे गाइस। तो चार बक्से रहते हैं, हर बंदे जो गेम प्ले खेलते हैं रैंक हो गया क्लासिक हो गया, तो आपको ये डॉग टैग मिलते हैं, 4-5 करके डॉग टैग मिलते हैं हर मैच में। हर बंदे को गिल्ड का जो भी प्लेयर खेलता है उसको डॉग टैग मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर 400 आप डॉग टैग कर लोगे तो आपको समवन एयर ड्रॉप मिलेगा, 800 डॉग टैग पे रिसप्लाई, और यहाँ पे देख सकते हो गाइस 1600 पे यहाँ पे मिलेगा आपको जो है हमारा बाउंटी टोकन, और 1800 डॉग टैग पे आपको मिलेगा यहाँ पे कस्टम कार्ड। तो आप 1800 डॉग टैग कैसे कर सकते हैं वो मैं बताऊँगा। तो सिंपली क्या करना है आपको, क्लास स्क्वाड कलहारी या फिर क्लास स्क्वाड बरमुंडा करना है गाइस, ऐसे अलग अलग करना है, एक क्लास स्क्वाड कलहारी या फिर एक क्लास स्क्वाड बरमुंडा ऐसा करना है। पहले उससे पहले क्या करना है आपको चेक करना है गाइस, आपके गिल्ड मेंबर्स सारे के सारे जो है क्लास स्क्वाड या फिर कुछ भी खेल रहे होते तो बहुत ईजीली आप कस्टम कार्ड ले सकते हो गिल्ड में। अगर आपके पास बहुत ही कम प्लेयर्स है गिल्ड में, जैसे कि जैसे लेवल 1-2 का गिल्ड होता है और बहुत ही कम प्लेयर होते हैं, 20 या 30 प्लेयर होते हैं गिल्ड में, तो इससे भी इजी से इजी मेथड से आप कैसे कस्टम कार्ड ले सकते हो वो आप जानिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लास स्क्वाड स्क्वाड कर देना है नॉर्मल बरमुंडा, और गिल्ड में जाना है, ये गिल्ड का ऑप्शन है नीचे, गिल्ड में जाना है और चार बंदों को यहीं से बुलाना है आपको, चार बंदों को। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखो मंटू भाई को हमारे बुला लिया, उसके बाद और बाकी दो बंदे, यहाँ से जो चार बंदे खेलेंगे क्लास स्क्वाड में, चारों के चारों बंदे अगर गिल्ड प्लेयर होंगे तो ही बहुत अच्छी तरीके से और ओपी तरीके से ज़्यादा डॉग टैग मिलेगा एक ही मैच में। और 1800 डॉग टैग तो 1 घंटे या 2 घंटे में आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे गिल्ड के चार बंदे आ चुके हैं और हमने कर दिया है मैच को स्टार्ट यहाँ पे सिंपली क्लास स्क्वाड बरमुंडा में, जी हाँ गाइस। तो उसके बाद क्या करना है गाइस, उसके बाद सिंपली जो ये मैच यहाँ पे शुरू हो गया है, यहाँ पे जो है पहला मैच शुरू हो गया क्लास स्क्वाड बरमुंडा का। तो देखते गाइस क्या करना है, देखो देख सकते हो मेरे टीममेट जो यहाँ पे ग्रेनेड से एलिमिनेटेड हो गए, आपको भी सिंपली यहाँ पे जो है ग्रेनेड से एलिमिनेटेड होना है, जोन से भी हो सकता है, पर याद रखना है 3 मैच जोन से एलिमिनेटेड हो गए तो सारे बंदे अगर जोन से मरोगे तो नेक्स्ट जब आप क्लास स्क्वाड करोगे तब MMI का चांसेस ज़्यादा रहता है, MMI हो जाएगा या फिर क्लास स्क्वाड से आपको बैन कर देगा, ऐसा कुछ सीन हो रहा है अभी मैं सुनने में आया कि ऐसा अभी चल रहा है कि जैसे कि जोन में चार बंदे हर वक्त एलिमिनेटेड होते हैं, 2-3 मैच के बाद जो है MMI हो जाता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इधर ग्रेनेड लेके मरना है, ऐसे ही करना है, बस चार मैच ऐसे ही करना है, सामने वाले को पूरा जीतने देना है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक रैंक नहीं है भाई, सिंपल क्लास स्क्वाड है। तो देख सकते हो गाइस 2 मैच मर गए, ऐसे ही करके आपको 4 मैच यहाँ पर कम्प्लीट कर देना है। चलो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे 4th मैच भी इसी के साथ खत्म हो चुका है गाइस, इसी के साथ 4th मैच खत्म होता है, 4 मैच टोटल खत्म हो गया, एनिमी जीत गए आप हार गए फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको चाहिए भाई क्या कस्टम कार्ड, वो भी कम समय में, 1 घंटा या 2 घंटे के अंदर जो है आपको ऐसे ही करना है, बस 1800 डॉग टैग यूँ ही हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, बस बैक करना है जैसे कि मैंने बताया था, मैच रैंडम के साथ खेलना है, मतलब अभी देखो क्लास स्क्वाड बरमुंडा किया था, नेक्स्ट में क्लास स्क्वाड कलहारी कर देना है, ऐसे करके एलिमिनेटेड 4 बार ग्रेनेड से होना है। देख सकते हो 686 डॉग टैग हो गए, साथ ही साथ
पर्सनल डॉग टैग यहाँ पे देखो कितना था, और एक ही मैच में यहाँ पे 81 डॉग टैग्स हो गए एक प्लेयर का। अगर ऐसे करते हो तो एक दिन में मतलब 8 से 9 डॉग टैग मिल जाता है। तो सोचो यार, अगर 8 डॉग टैग मिलता है तो 8 × 4 डॉग टैग एक ही मैच में आपको मिल जाएगा। तो 1800 डॉग टैग की बात करें, यहाँ पे एक घंटे में 1800 डॉग टैग यूँ ही पूरे हो जाएंगे। चाहे आपके गिल्ड में 8 बंदे हो या 10 बंदे हो या 20 बंदे हो, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लेते हो का जो खेलते हो और डॉग टैग कंप्लीट करते हो, तो आप लीडर मोड में भी आ सकते हो टॉप 100 में। तो आपका गिल्ड का नाम भी जो है टॉप 100 में आ जाएगा। इसी के साथ देख सकते हो गाइज, यहाँ पे जो है गिल्ड का डॉग टैग यहाँ पे हमने कर दिया है 600 और 1800 करना है। उसके बाद गाइज नेक्स्ट कल सैटरडे को आपको यहीं पे जो मेल बॉक्स रहता है हमारा, मेल बॉक्स में ये देखो गिल्ड टूर्नामेंट रिवॉर्ड ऐसे ऊपर से ऑप्शन आएगा, गिल्ड टूर्नामेंट रिवॉर्ड्स क्लेम गिल्ड ग्लोरी इंक्रीज 4300 मतलब गिल्ड का ग्लोरी 4300 हो गया है। और आपको जो है सिंपली कस्टम कार्ड क्लेम कर, ये क्या मसखरा बना रखा तूने, हैं मतलब थोड़ा ही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना गाइस। ओके बाय, लाइक वीडियो, कमेंट वीडियो, शेयर वीडियो।